गाइज, वेलकम बैक टू अनिशा ब्लॉग्स। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज, आप सब कैसे आए हो? आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है हमारा हिमाचल में थर्ड डे और मैं कल का ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी नेटवर्क इशू के चक्कर में। तो गाइज, आज हम हमारा आज का प्लान है वो है बाबा बालकनाथ जाने का, जो यहाँ का फेमस टेम्पल है। तो चलो चलते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं अपने ब्लॉग में और नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी। अभी के लिए इतना ही। ये क्यों तो जो वो आगे ऊपर रुक जाता है, नीचे होती है, उसमें रुक जाती है। हेलो गाइस, बोलो। चलो इसके साथ साथ चलते हो। हेलो, हाँ तुम रुक जाओगे ना? अच्छा, तुम्हें बैग लेने पड़ जाएगी। हाय बोल। हाय। कुछ और ही लग रहा है। हाय बोले अनाइशा। हाय बोल। हाय बोल। तो गाइस, आप देख सकते हैं गाड़ी जो जा रही है वो भी आगे, उसमें हमारी फैमिली बैठी हुई है। गाइस, रास्ते टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, गाड़ी इधर की साइड जा रही थी उधर हो गई। तो गाइस, देख सकते हैं आपको यहाँ से पूरा हिमाचल दिख रहा है और हम पीछे देख रहा, देखना देख तो चाचा जी, एक ही बंदर तो है, कितने खा गए? अरे क्या कहते हैं, ये खिड़की खुली है, एक पे पोटा बन लेंगे। तो गाइस देखो, हम बंदरों को यहाँ पे केले खिला रहे हैं। चाचा जी आगे आगे हमारी गाड़ी जेब में रख ले, इसको जेब में रख ले, और आगे लूंगा। बंदरों ने खा लिए केले। चलो चलते हैं अब आगे की ओर। बेरोजगारी के थपेड़े लाता ना, फिर पत्ते हो जाना, नौकरी लागी है, फिर वो टाइम जा गया, फिर कौन दाखला दे था। नेता भी सोचा ना है, वह पार्टी से वहां निकल गई, वहां गेरा बंद बन गया, पर वो टाइम लग गया, हम दूसरा धंधा खाए रहे हो, निकल कर अरे काम में, अरे काम में कौन से जाना होगा, मान तो टाइम जा गया। पंकज, मैं शादी से पहले भी ज्यादा बड़ी काट नहीं, आज के जमाने में ऐसी तकदीर वाले बहुत कम लोग। ऊपर घुमा रहे ना, ऊपर, हां से नॉट बिहाइंड, नॉट लेफ्ट साइड। अंगी जैसा रंग है तेरा, ऊपर वो याद है, अगर मतलब भीड़ है देते भी नहीं जाने ऊपर, लेकिन देखो भाई लेके गया था गाड़ी के माउंट गाड़ी वाले लिखा हुआ, मैं पुलिस वाले Thank you.
तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं बाबा के दरबार पर, और ये जो आप देख रहे हैं सभी हमारी फैमिली है, तो हम दर्शन कराएंगे। अगर वहाँ अलाउ होगा तो ज़रूर दिखाऊंगी आपको। और गाइस देखो हिमाचल का व्यू, तो यहाँ पे थोड़ी हो रही है पेट पूजा। हाय गाइस करो, देखो मेनु काका ने डांस करो, स्टेज करो, तो डांस करो। हमारे को दर्शन हो गए हैं और दर्शन करके हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की ओर। हाँ ले रहा हूँ, ले रहा हूँ। दूसरे स्पॉट पे आ चुके हैं और ये है मंदिर बाबा बालकनाथ शाह तलाई। तो ये भी बाबा का ही एक मंदिर है, यहाँ पर बाबा बालकनाथ जी रुके थे, यहाँ पर बाबा बालकनाथ जी रुके थे रत्नो माई के साथ। रत्नो माई उनकी माँ का नाम है। 12 साल रुके थे वो यहाँ पे। यहाँ पे रोटी और लस्सी का पेड़ भी है, जहाँ किस चीज का पेड़ है, रोटी लस्सी का, जहाँ पे उन्होंने रोटी और लस्सी रखी वो अंदर देखने को मिलेगा। तो वो पेड़ आपको देखने को मिलेगा अंदर, और आप देख सकते हैं कितनी रौनक है इस मंदिर में। बाबा बालकनाथ को बाबे के नाम से ज्यादा बोला जाता है, जय बाबे भी। रोज के बोल दो, जय बाबे जी, जय बाबे जी।
वो ये वाला पेड़ है दूध और लस्सी वाला। बाबा बालकनाथ जी ने यहाँ पे तपस्या की थी तो जो रत्नमाई उनके लिए रोटी लाती थी वो उन्होंने पेड़ में छिपा दी थी और लस्सी जो है लस्सी जमीन में छिपा दी थी। फिर 12 साल बाद उन्होंने पेड़ को फाड़ के रोटियां दिखाई थी और लस्सी दिखाई थी जमीन में से। और इस पेड़ की बहुत मान्यता है गाइस, आपको भी अच्छा लगे तो आप भी जरूर दर्शन करने आइएगा यहाँ पर। ये जो लिखा हुआ है ना इसका तो बाबा जी का 12 वर्ष के लस्सी का स्थान, तो ये था वो स्थान जहाँ पे उन्होंने अपनी लस्सी छुपाई थी। अरे तो अभी हाथ के हाथ कर देगा क्या, वो इधर से इधर हाथ के हाथ कर देगा। जी साहब तक आजूगा कुछ नहीं खाना कुछ देखो बाबा बच्चा ने पूरा इधर देखो भाई ऊपर सर करो ऊपर सर ऊपर करो नहीं चाह देखिए अड्डा कुटी गाइस हम आ गए हैं बाबा की 3 सीरीज स्पॉट पे जहाँ पर बाबा जी ने इस बगीचे के अंदर बगिया उसके अंदर बैठ के तपस्या करी थी। और आप देख सकते हैं नाइशा ने कितने लग पाया है और मैंने, चलो चलते हैं आगे की साइड। गाइस आप देख सकते हैं कितना सुंदर टेंपल है ये भी। तो हेलो गाइस, आपने देखा था कि हम सुबह के टाइम मंदिर घूम ही आए थे जो बाबा बालकनाथ के थे, तो कुछ इमरजेंसी हो गई थी तो अब हम घर जाने की सोच रहे हैं, घर जाने की सोच ही नहीं रहे, हमने गाड़ी टिकट बुक कर ली है।